बोले तो गर्मी का एहसास, नेताओं के बड़े बोल, देखते हैं कौन खोलता है किसकी पोल। आज हमारे साथ है नेता एक खास, देखिए समाचार 7 दिन 24 घंटा लाइव का। बोले तो गर्मी का एहसास, हमको दुख होता है, तकलीफ होता है, ये दलाल। आज जब वैक्सीन के द्वारा इस कोरोना को भगाने की तैयारी जारी है, वैसे समय में भी कोई अगर अपने पथ पे अड़ी है तो वो है गोपाल राउत। इस कांपते जाड़े में गोपाल राउत क्या कहना चाहते हैं, जो राजनीतिक माहौल उत्पन्न हुआ है इस पे क्या बयान देते हैं, आइए बात करते हैं। लोग इलाका जो है झूठ भी इलाका है, यहाँ हफ्ता होने के पहले हिसाब हो जाता है कि किसको पैसा देना होता है। होता है कि हफ्ता चला जाता है, उसके बाद फिर लोग पैसा का फेरा पड़ जाता है, इसीलिए टाँगा टाने हो जाता है। तो हम लोग का इलाका इसी मतलब बहुत निचला स्तर का इलाका है, बहुत गरीब तबका के लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग भी इसी लोगों में से उठ कर आए हैं। हम आज कुछ काम धंधा करने लगे जहाँ तहाँ कि हम ही इन्हीं लोगों में से हम एक हैं, तो हम इन लोगों में से गुजारे हैं। तो हमको जब से ये शक्ति हुआ है 88 से हम लोगों को पास में खड़ा रहते थे, पहले कम करते थे, जैसे जैसे हमारे स्थिति ठीक होते जैसे जैसे आज बढ़ते गया। क्या वजह रही कि आप इतना ज़्यादा रोष उगल रहे हैं वर्तमान समय में? देखिए हम आपको बोले ना, 90 से सोशल वर्कर के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। ये रोष हम दूसरा किसी पर नहीं निकालते हैं, अंक्रोश हमको एक ही आदमी से है, यहाँ के संसद से, और संसद से अंक्रोश इसीलिए है कि जो हिसाब से संसद जी भाटपाड़ा के वासी के साथ किए हैं कोई भी नेता नहीं करेगा। लोग बूझते नहीं है, लोग उनको संसद मान रहे हैं, हम उनको संसद नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो संसद हैं, लेकिन जिस तरीका से लोगों से पैसा लिए टीचर का नाम पर, एसआई बैटरी में नौकरी देने के नाम पर, म्यूनसिपलिटी में नौकरी देने के नाम पर, सारे लोग तो भाटपाड़ा वासी हैं। मिला मिसी होता है तो लोग चर्चा होता है, जे माँ का गाना रख के पैसा दिए थे अर्जुन सिंह को, दिलवाने वाला बीच में ये मीडिएटर था, वो मीडिएटर था, मीडिएटर कौन था? आज वही मीडिएटर जो मीडिएटर 5 आदमी 7 आदमी 8 आदमी का पैसा उठा के दिए हैं, वो आज चाय पर चर्चा करने के लिए बुला रहे हैं। हमको दुख होता है, तकलीफ होता है, ये दलाल जो है, जो पैसा लोगों से उठा के अर्जुन सिंह का महुआ बना, अर्जुन सिंह लिए 3 लाख तो ये उठाया 4 लाख, 1 लाख अपना पास रख लिया, अर्जुन सिंह को 3 लाख दिया ना, ये 1 लाख दे रहा है ना, वो 3 लाख दे रहा है, आज मरण बंद कौन रहा है? गरीब। आपका चैनल का माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं, गरीब का आह बहुत खराब है। जो मेरा बख्तर सुन रहे हैं ना बीजेपी करने वाले, बहुत लंबा लंबा फेसबुक पर लिखते हैं, हम उनको भी बता देना चाहते हैं, जो हम बोल रहे हैं सच्चाई है। अगर इस ये लोग का पैसा वापस नहीं किया गया तो उन लोग को हम स्टेट पर उठाएंगे, आने वाला दिन वो स्टेट पर से बोलेगा कि हम अपने माँ को गाना रख के पैसा दिए थे, और दिन आने वाला ये आदमी था, लेने वाला अर्जुन सिंह थे। हम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि उस वक्त आप भी अर्जुन सिंह के साथ में थे कि आप भी कुछ पैसा उठा कर दिए हैं? यही तो गलती हम नहीं किए, नहीं तो आज गलती करते तो आज लोग हमको गाली देता, यही गलती हमने की। हम जानते हैं अर्जुन सिंह को 20 साल से जानते हैं, ये कारण था कि आप उनको छोड़ पाए आसानी से? देखिए बहुत कारण है, पैसा जो घपला हुआ ये हमारे सामने हुआ, बहुत सारे लोग हैं जिसको पैसा अपना बहन का गाना रख के, बेटी का गाना रख के, माँ का जेवर बेच के पैसा दिया है। पैसा काहे दिया? नौकरी पाने के लिए, नौकरी तो मिला नहीं, दहेज को मजबूरी में नौकरी आएगा तो कितना आदमी को दीजिएगा? जितना आदमी नौकरी लिया है सब पैसा दिया है, इसी दलदल में हम नहीं फंसे। और आपका चैनल का माध्यम से अगर कोई चैलेंज करेगा तो हम नाम बताएंगे कि कौन कौन कितना दिया है, किससे लेके दिया है, वो पार्टी को भी हम सामने रखेंगे।
हम जो बोल रहे हैं दंका का चोट पर बोल रहे हैं, देने वाला भी यहीं पर है, लेने वाला भी यहीं पर है, मीडिएटर भी यहीं पर है, जो पैसा दिया है वो सामने है। 11 नंबर वार्ड का कई आदमी को किससे पैसा दिया है, 9 नंबर वार्ड का किससे पैसा दिया है, 13 नंबर को कौन पैसा दिया है, और कौन देने वाला है, कौन मीडिएटर है, सब हम लोग के सामने है। हम तो 20 साल से रहे ना, कोई हमको भी अगर एक पैसा दिया होगा तो दंका का चोट पर बोले जय गोपाल राउत को हम दिए थे, अर्जुन सिंह के पास पहुंचा है। उम्मीद है कि इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा वो हिंदुत्व के मुद्दे पे ही कहीं ना कहीं आना चाहेगी, इस बार बंगाल में अपना जड़ जमाना चाहेगी। क्या लगता है, आप भी एक हिंदू है, क्या आप इस पे क्या अनुभव रखते हैं? देखिए, हिंदुत्व का ही मुद्दा इन लोगों के पास बचा भी है। महंगाई देश में आसमान छू रही है। आप देखिए जे 2 करोड़ को आवादा देकर नौकरी आज तक ले नहीं आया। बिहार में इलेक्शन था तो लोगों को चिल्ला कर बोलने लगे जे 75 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सारे नौकरी चले गए। अब बंगाल में इलेक्शन है, फिर चिल्लाए गए लोग जे 1 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, 2 करोड़ को नौकरी देंगे। तो ये लोग तो इलेक्शन आता है तो हर समय कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन इन लोगों का पास हिंदुत्व छोड़ के कोई मुद्दा नहीं है। और हिंदुत्व के लिए भी ये लोग कुछ नहीं किया। क्या किया है हिंदुत्व के लिए, जब महंगाई से जो मर रहा है वो हिंदू नहीं है तो कहाँ हिंदू का फायदा हुआ? कि रोजगार तो विफल है रही है, महंगाई तो विफल है रही है। ये बोले थे जो देश नहीं बेचने देंगे, आज सब कुछ बेचा रहा है, BSNL बेचा रहा है, रेल बेचा रहा है, एरोप्लेन बेचा रहा है, कोल फील्ड बेचा रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं उनका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? जो लोग बोल रहा था जब देश नहीं बेचने देंगे वो सारे चीज बेच रहा है। यही लोग ना बोले थे जो देश नहीं बेचने देंगे, आज यही लोग महंगाई के बारे में कुछ बोलने के जाने के बाद बोल रहा है जो देश विरोधी है, देश द्रोही है। देश द्रोही हम कहा है? देश द्रोही तो तुम हो। हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं और तुम अपना पाकिस्तान को दोस्त मानते हो, तब ना मोदी जी वाले पाकिस्तान गए बिरयानी खाने के लिए। हम लोग पाकिस्तान जाते हैं, एक तरफ बोलता है जो हमारा पाकिस्तान दुश्मन है, दूसरा तरफ जाके उसको घर में बिरयानी खाता है। BJP के हिंदुत्व को भी धोखा दे रहा है। हम लोग हिंदू हैं, रामायण का अध्ययन कीजिए, जय श्री राम का नारा एक बार राम का सामने हनुमान जी दिए थे। ये नारा काहे दिए थे? समुद्र को फानना था तो रामचंद्र जी बोले जी तुम अपना ताकत को समझो, को सामने उनका नाम धर के फान गए जय श्री राम, एक बार नारा लगाए। लेकिन हनुमान जी सीता माँ से इतना ज्यादा प्रेम करते थे, वो हनुमान जी सीता राम बोलते थे, वो BJP वाला राम को अलादा कर दिया, सीता को अलादा कर दिया। दुर्भाग्य की बात है, माँ सीता रो रही है जी, कौन पार्टी आ गया कि खाली राम का नाम हो रहा है? सनातनी धर्म में सबसे पहले है शक्ति की पूजा, तो शिव पुराण में माँ शक्ति जगदम्मा की पूजा होती है। लोग सनातनी धर्म में सृष्टि जो की, उस सृष्टि को करने वाला माँ जगदम्मा थी। माँ जगदम्मा पैदा थी शंकर जी को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, सृष्टि को बढ़ाई। तो हम लोग सनातनी धर्म में पहले शक्ति का पूजा करते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सीता आ तब राम। अलो राम आ सीता को हटा दिया, आज माँ सीता भी दुखी है। कोई आदमी बर्दाश्त करेगा जे हमारा फैमिली को अलादा कर दिया जाए? राम भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और माँ सीता भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। आइए लो अपना उल्लू छेकने के लिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चिल्ला रहा है। तो ये लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। चल रहा है जितना दिन चल रहा है, पाप का नाव जितना दिन चलेगा, लेकिन आने वाला दिन आप देखिएगा कोई भगवान वही राम इनको ऐसा नरक में ढकेलेंगे कि इन लोग पानी नहीं मिलेगा। जिस देश का सैनिक मजबूत रहेगा उसको कमांडर की या कर्नल की जरूरत नहीं है। सैनिक मजबूत, देश मजबूत, ममता बनर्जी का पार्टी सैनिक जो है पूरा मजबूत है। केडर कहीं नहीं जा रहे हैं, लीडर जा रहे हैं। लीडर ममता बनर्जी तैयार की थी, वो लीडर जा रहे हैं, ममता बनर्जी फिर लीडर तैयार कर लेगी। आने वाला दिन देखिएगा 200 से पार होगा, TMC सरकार बनेगा, ममता बनर्जी फिर CM बनेगी। हम इसी मंच से बोल रहे हैं, फिर आने वाला दिन आपको इसी मंच से बात करेंगे।
ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557, 9831478795।